मनाली एक ड्रीम डेस्टिनेशन है सभी के लिए, चाहे वो हो हनीमून कपल्स या हो यार दोस्त या हो फैमिली, हर कोई अपनी लाइफ में एक ना एक बार मनाली जरूर आना चाहता है। तो जैसे जैसे इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में स्पेशल नॉर्थ इंडिया में गर्मी बढ़ने लगती है तो लोगों की जुबान पे एक ही जगह का नाम आता है और वो है मनाली। इसके अलावा मार्च अप्रैल में जब बच्चे अपने एग्जाम से फ्री हो जाते हैं तो वो सब भी अपनी फैमिली के साथ मनाली का रुख समर्स में करते हैं। और बात करें अगर कपल्स की तो शादियों का सीजन इंडिया में कभी नहीं रुकता है, तो हनीमून कपल्स और नॉर्मल कपल्स भी समर के टाइम पे मनाली आते ही रहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे गर्मियों में मनाली का प्लान कर सकते हैं, कहां कहां मनाली में घूम सकते हैं। तो बात की जाए मनाली की तो मनाली कुल्लू वैली में सिचुएटेड हिमाचल प्रदेश का सबसे फेमस हिल स्टेशन है। मनाली सी लेवल से अराउंड 6730 फीट यानी 6730 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। पूरा मनाली ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है जिसकी खूबसूरती को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। तो मनाली पहुंचने के चार तरीके हैं, नंबर 1 बाय बस, नंबर 2 बाय ट्रेन, नंबर 3 बाय फ्लाइट एंड नंबर 4 बाय पर्सनल व्हीकल। तो इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि आप कौन से शहर से मनाली घूमने आना चाहते हैं, तो हम दिल्ली या चंडीगढ़ को सेंटर पॉइंट मान के चलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को जिससे आप मनाली पहुंच सकते हैं। बात करें अगर बाई बस मनाली पहुंचने की तो आप प्राइवेट वॉल्वो या हिमाचल रोडवेज की गवर्नमेंट बसेस से मनाली पहुंच सकते हैं। बाई बस दिल्ली से मनाली का सफर तय करने में आपको करीबन 13 से 14 घंटे लग सकते हैं। वॉल्वो बसेस की अगर बात की जाए तो दिल्ली से मनाली के लिए फर्स्ट वॉल्वो इवनिंग में 4 से 4:30 के आसपास निकलती है, वहीं लास्ट वॉल्वो रात को 11 से 11:30 के आसपास दिल्ली से मनाली के लिए रवाना हो जाती है। वहीं चंडीगढ़ से मनाली के लिए फर्स्ट वॉल्वो की बात करें तो रात 11 से 11:30 तक पहली वॉल्वो रवाना होती है, और लास्ट वॉल्वो की अगर बात करें तो 4:30 से 5 बजे तक लास्ट वॉल्वो चंडीगढ़ से मनाली के लिए रवाना हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली से मनाली के लिए वॉल्वो इवनिंग में स्टार्ट होती है, वहीं चंडीगढ़ से मिडनाइट में। तो अगर आप मॉर्निंग में दिल्ली से मनाली या चंडीगढ़ से मनाली जाना चाहते हैं तो कोई भी प्राइवेट वॉल्वो बस अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ से मनाली का सफर मॉर्निंग में करना चाहते हो तो आप हिमाचल रोडवेज की बस में अग्रसर हो सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में भी दिल्ली से मनाली के लिए चलती है और चंडीगढ़ से मनाली के लिए भी मॉर्निंग में चलती है। बात करें अगर बस के बोर्डिंग पॉइंट्स की तो दिल्ली से प्राइवेट वॉल्वो बस आप आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट या मजनू का टीला से ले सकते हैं। वहीं हिमाचल रोडवेज की बसेस आप कश्मीरी गेट ISBT से ले सकते हैं। चंडीगढ़ से प्राइवेट वॉल्वो आप सेक्टर 43 ISBT के नजदीक के बने HP पेट्रोल पंप से ले सकते हैं। वहीं हिमाचल रोडवेज की बस आप सेक्टर 43 के ISBT से ले सकते हैं। बस के ड्रॉपिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो प्राइवेट वॉल्वो बसेस मनाली में प्राइवेट पार्किंग में टूरिस्ट को ड्रॉप करती है, जहां से मॉल रोड मनाली करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहीं हिमाचल रोडवेज की बसेस HRTC के बस स्टैंड पे टूरिस्ट को ड्रॉप करती है, जो बिल्कुल मॉल रोड के बराबर में ही स्थित है। बात करें अगर बस टिकट बुकिंग्स की तो आप ऑनलाइन रेड बस, पेटीएम बस, GoIBIBO या yatra.com से बस बुक कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि हमेशा अच्छी रेटिंग वाली बस को पहले प्रेफरेंस दें, क्योंकि कम रेटिंग वाली बस कई बार बस की बुकिंग एंड मोमेंट पे कैंसिल कर देते हैं, जिसका अमाउंट तो आपको रिफंड हो जाता है पर इससे आपकी ट्रिप स्पॉइल हो सकती है। बस टिकट्स बुक करते टाइम कोशिश ये करें कि दिल्ली से शाम 7 से 8 बजे और चंडीगढ़ से रात 2:30 से 3:30 बजे की बस आप बुक करवाएं, ताकि आप मनाली में मॉर्निंग 10 से 10:30 बजे पहुंचें। ऐसा करने के दो रीजन हैं। नंबर 1, अगर आप अर्ली मॉर्निंग मनाली पहुंच जाते हैं तो आप मनाली और कुल्लू के हसीन नजारों को मिस कर देंगे। नंबर 2, अगर आप अर्ली मॉर्निंग मनाली पहुंच जाते हैं तो होटल्स कई बार जल्दी चेक इन देने से इनकार कर देते हैं, तो आपको रिसेप्शन पे भी काफी देर बैठना पड़ सकता है। बात करें समर्स में वॉल्वो के बस फेयर की तो 15 अप्रैल से पहले दिल्ली टू मनाली एंड चंडीगढ़ टू मनाली वॉल्वो का बस प्राइस 800 to 1200 रुपीज रह सकता है, और अगर आफ्टर 15 अप्रैल बात करूं तो यही प्राइस बढ़के 1200 टू 2000 भी पहुंच सकता है। हिमाचल रोडवेज की बसेस की बात की जाए तो इनका प्राइस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, सीजन में भी और ऑफ सीजन में भी। बात करी जाए हिमाचल रोडवेज की दिल्ली टू मनाली ऑर्डिनरी बसेस की तो 896 रुपीज एंड 930 रुपीज यानी 896 रुपए एंड 932 रुपए का किराया दिल्ली से मनाली का रह सकता है। वहीं हिमाचल रोडवेज की हिमसुता वॉल्वो बसेस दिल्ली से मनाली के 1600 रुपीज यानी 1600 रुपीज चार्ज कर सकती हैं। बात की जाए अगर चंडीगढ़ से तो चंडीगढ़ से मनाली हिमाचल रोडवेज की ऑर्डिनरी बस 614 रुपीज एंड 654
रुपीज यानी 614 रुपए और 654 रुपए चंडीगढ़ से मनाली का चार्ज कर सकती हैं। वहीं बात करी जाए अगर हिमसुता वॉल्वो की तो चंडीगढ़ से मनाली हिमसुता वॉल्वो 1091 रुपीज यानी 1091 रुपीज चार्ज कर सकती है। इसके अलावा कुछ मेन रूट्स ऐसे भी हैं जिन पे वॉल्वो बस ऑपरेट नहीं करती है, लेकिन हिमाचल रोडवेज की खास बात ये है कि ये उन रूट्स पे भी मनाली से ऑपरेट करती है। ये रूट्स हैं हरिद्वार टू मनाली, शिमला टू मनाली एंड पठानकोट टू मनाली। आइए अब बात करते हैं कि आप ट्रेन से मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। तो ट्रेन से मनाली पहुंचने की बात की जाए तो मनाली के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन है, जो कि मनाली से 144 किलोमीटर यानी 144 किलोमीटर दूर है। बट ये रेलवे स्टेशन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस रेल रूट पे टॉय ट्रेन चलती हैं जो कि पठानकोट से आती हैं। तो आपके शहर से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन आपको नहीं मिलने वाली है, और बाई चांस अगर आप यहाँ पहुंच भी जाते हैं तो मनाली पहुंचने के लिए यहाँ से बहुत ही कम ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन ना आकर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जो कि मनाली से करीबन 310 किलोमीटर यानी 310 किलोमीटर दूर है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भले ही मनाली से थोड़ा दूर है, लेकिन आप आसानी से अपने शहर से यहां तक पहुंच सकते हैं, और यहां से मनाली पहुंचने के भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइए अब बात करते हैं कि आप बाय फ्लाइट मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। तो बात करें अगर फ्लाइट से मनाली पहुंचने की तो मनाली के नजदीक भुंटर एयरपोर्ट है, जिसको कि कुल्लू एयरपोर्ट भी बोला जाता है। आप बड़े बड़े कुछ शहरों से भुंटर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ चुनिंदा फ्लाइट ही इस रूट पे ऑपरेट करती हैं, तो फ्लाइट का फेयर थोड़ा सा महंगा हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि कुछ दिन पहले अपनी फ्लाइट की टिकट यहाँ के लिए बुक करवा लें। बात करें अगर खुद के पर्सनल व्हीकल से मनाली आने की, चाहे वो बाइक से हो या फिर कार से, यह सफर अपने आप में बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहता है। तो आप समर्स में मनाली खुद के पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। अपने व्हीकल से ट्रिप प्लान करते टाइम दो बातों का ध्यान रखें। नंबर वन, कोशिश ये करें कि रात में पहाड़ों में ड्राइव या राइड ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। नंबर टू, क्योंकि पहाड़ों में रोड थोड़ी सी कम ब्रॉड होती हैं, तो अपनी लेन में चलें, जल्दबाजी ना करें, ओवरटेक ना करें, और शार्प टर्न्स पे गाड़ी को रोककर खड़े ना हों। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि आप कैसे और कहां कहां मनाली में घूम सकते हैं समर्स में। पूरे प्लान को हमने डेज के हिसाब से बांट दिया है, तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप एक दिन पहले दिल्ली या चंडीगढ़ अपने शहर से पहुंच जाएंगे और वहां से मनाली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो डे वन की मॉर्निंग में आप हिमाचल के खूबसूरत वादियों में एंट्री कर चुके होते हैं। मनाली के इस सफर में ऑन द वे आप कुछ ब्यूटीफुल साइट सीइंग देख सकते हैं, जैसे कि सुंदर नगर लेक, मंडी का पंडो डैम, हनोगी माता मंदिर, कुल्लू का खूबसूरत शहर और साथ साथ बह हुई ब्यास रिवर। इन सभी नजारों को एंजॉय करते करते आप मनाली पहुंच जाते हैं। होटल चेक इन करने और कुछ टाइम आराम करने के बाद रिफ्रेश होकर आप मनाली की लोकल साइट सीइंग करने के लिए निकल सकते हैं। आप डे वन में मनाली की कुछ फेमस लोकल साइट सीइंग कवर कर सकते हैं, जैसे कि हडिंबा देवी टेम्पल। हडिंबा देवी टेम्पल महाभारत में वर्णित भीम की धर्मपत्नी हिडिंबी देवी के ऊपर आधारित एक टेम्पल है। यहाँ आप हडिंबा देवी टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। हडिंबा देवी टेम्पल की खूबसूरती देखते ही बनती है, क्योंकि ये ओक और देवदार के ट्रीज से चारों तरफ से घिरा हुआ है। हडिंबा देवी टेम्पल के दर्शन करने के साथ साथ आप यहाँ घटोत्कच टेम्पल में भी दर्शन कर सकते हैं। हडिंबा देवी टेम्पल के परिसर में आप काफी सारी फोटोग्राफी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ रैबिट को हाथ में लेकर फोटो खिंचवा सकते हैं, यॉक के ऊपर बैठ के फोटो खिंचवा सकते हैं, वहीं हिमाचली ड्रेस पहनकर भी आप यहाँ पे फोटोग्राफी करवा सकते हैं। रैबिट के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए रैबिट वाले 30 से 50 यानी 30-50 रुपीस का चार्ज कर सकते हैं। वहीं यॉक के ऊपर बैठ के फोटो खिंचवाने के यॉक वाले 50-100 रुपए यानी 50-100 रुपीस का चार्ज ले सकते हैं। ढुंगरी वन विहार, अगर आप बड़े बड़े पाइन ट्रीज के बीच में फोटोग्राफी करवाना चाहते हैं या मनाली के क्राउड से हट के थोड़ा देर रिलैक्स होकर नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप ढुंगरी वन विहार में आ सकते हैं, जो कि हडिंबा टेंपल के साथ में ही बना हुआ है। एंट्री टिकट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज पर पर्सन का एंट्री टिकट चार्ज देना पड़ सकता है, और यहाँ जगह जगह लगी हुई होर्डिंग्स पे आप हिमाचल के वन्य प्राणी यानी एनिमल्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। मनाली मॉल रोड, मॉल रोड मनाली के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ आप वॉक का एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ रेस्टोरेंट्स में खाना भी खा सकते हैं। वन विहार नेचर पार्क मनाली, वन विहार नेचर पार्क मॉल रोड के साथ में ही स्थित है। यहाँ एंट्री टिकट की बात की जाए तो 50 रुपीज यानी 50 रुपए चार्ज एडल्ट का रहता है, एंड 20 रुपीज फॉर चिल्ड्रन यानी 20 रुपए चिल्ड्रन का चार्ज यहाँ पे रहता है एंट्री टिकट का। यहाँ बच्चों के लिए काफी सारे झूले लगाए गए हैं, तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आपके बच्चे यहाँ पे काफी ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पैडल बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज अराउंड 50-100 रुपीज यानी 50-100 रुपए रह सकता है। तिब्बत मॉनेस्ट्री मनाली, मनाली मॉल रोड के नजदीक दो बुद्ध मॉनेस्ट्री भी मौजूद है, फर्स्ट गोम्पा मॉनेस्ट्री, सेकंड निम्पा मॉनेस्ट्री। तो अगर आप मॉल रोड या उसके आसपास घूम रहे हैं तो यहाँ का प्लान भी आप बना सकते हैं।
क्लब हाउस मनाली। यहाँ आप इंडोर और आउटडोर दोनों टाइप की स्पोर्ट्स एक्टिविटी का लुत्फ उठा सकते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप यहाँ कैरम, पूल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन जैसी एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं आउटडोर एक्टिविटीज में आप यहां जॉबिंग, बुल राइड, रिवर क्रॉसिंग, गो कार्टिंग जैसी एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा यहां पे शॉपिंग के काफी सारे स्टॉल्स और शॉप्स भी अवेलेबल हैं, जहां पे आप काफी सारी चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लब हाउस में बने हुए रेस्टोरेंट के अंदर आप खाना भी खा सकते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। मनु टेम्पल मनु ऋषि को समर्पित है, जिनको संसार का रचयिता भी माना जाता है। मनु टेम्पल की लोकेशन की बात करी जाए तो ये ओल्ड मनाली में है और क्लब हाउस के काफी नजदीक है। मनु टेम्पल जाने का रास्ता ओल्ड मनाली के बीचों बीच से होता हुआ जाता है। इस रास्ते में आप मनाली के फेमस कैफेज, ओल्ड मनाली मार्केट, मनाली के ओल्ड कल्चर और कई सौ साल पुराने वुडन हाउसेस को देख सकते हैं। तो आप इन सब चीजों को भी मनु टेम्पल के साथ साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि फर्स्ट डे में मैंने आपको काफी सारी लोकल साइट सीइंग बताई है, जिनको एक डे में एक्सप्लोर करना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डेज अपने प्लान में लेकर चल रहे हैं तो आप ओल्ड मनाली, मनु टेम्पल, ओल्ड मनाली मार्केट और ओल्ड मनाली के कैफेज को उस एक्स्ट्रा डे में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे टू, तो इस दिन आप स्नो पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। स्नो पॉइंट्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो अगर आप 15 अप्रैल से पहले पहले मनाली आ रहे हैं, यानी समर्स की स्टार्टिंग में, तो चांसेस है कि आपको सोलांग वैली में स्नो देखने को मिल जाए। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको सोलांग वैली में स्नो देखने को मिल भी जाती है तो उसके लिए आपको सोलांग वैली में स्थित अंजनी महादेव टेम्पल तक जाना होगा। बता दूं, अंजनी महादेव टेम्पल भी अमरनाथ जी की तरह प्राकृतिक बर्फ के शिवलिंग बनने के लिए फेमस है। माना जाता है कि सर्दियों के दौरान यहां अमरनाथ जी से भी बड़ा बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो अंजनी महादेव टेम्पल आप तीन तरीके से जा सकते हैं। फर्स्ट बाय ट्रैकिंग, जिसके लिए आपको 35 से 40 यानी 35-40 मिनट तक का ट्रैक करना पड़ सकता है। सेकंड बाय एटीवी राइड। एटीवी राइड सोलांग वैली से अंजनी महादेव टेम्पल जाने के लिए दो लोगों के अप्रोक्स 1000 रुपीज यानी 1000 रुपीज चार्ज कर सकते हैं। थर्ड बाई हॉर्स राइड, आप हॉर्स राइड करके भी सोलांग वैली से अंजनी महादेव टेम्पल पहुंच सकते हैं, जिसका हॉर्स वाले अराउंड 300-500 यानी 300-500 रुपीज पर पर्सन का चार्ज कर सकते हैं। तो अंजनी महादेव के इस सफर में अगर आपको स्नो देखने को नहीं भी मिलती है तो निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अंजनी महादेव के आपने दर्शन कर लिए वही काफी बड़ी बात है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे सोलांग वैली से बर्फ का नामो निशान मिटता जाता है। तो इस केस में आप सोलांग वैली में काफी सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्नो स्कूटर राइड, स्नो ट्यूब राइड और स्कीइंग। गर्मियों में आप जॉर्बिंग, एटीवी राइड, रोप जंपिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज के मजे ही सोलांग वैली में ले सकते हैं, और इन्हीं सभी एक्टिविटीज के रेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए, जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ यानी अप्रैल 2022 में, तो इस टाइम पूरे हिमाचल में पैराग्लाइडिंग बैन है। ये बैन गवर्नमेंट द्वारा सेफ्टी मेजर्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टाइम के लिए लगाया गया है। तो अगर आप स्पेशली पैराग्लाइडिंग के पर्पज से मनाली आ रहे हैं तो पहले कन्फर्म कर लें कि पैराग्लाइडिंग चालू है या नहीं। तो अगर आप 15 अप्रैल से लेकर 25 मई के बीच में मनाली आ रहे हैं तो सोलांग वैली में आपको बर्फ नहीं मिलने वाली है। उस केस में आपको अटल टनल क्रॉस करते हुए सिसु जाना पड़ सकता है, जहां आप स्नो का एंजॉय कर सकते हैं। अटल टनल के बारे में बात की जाए तो अटल टनल 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पे बनी दुनिया की एकमात्र टनल है। तो स्नो का एंजॉय करने के लिए अगर आप सिसु जा रहे हैं तो साथ ही साथ आप अटल टनल के नजारों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो अगर आप 25 मई या 1 जून के बाद मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सिसु में भी बर्फ देखने को ना मिले। तो इस केस में आपको रोहतांग का प्लान करना पड़ सकता है। मनाली लेह हाईवे पर स्थित रोहतांग पास हिमाचल का एक फेमस पास है, जो कि समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और हिमाचल की पीर पंजाल रेंज में स्थित है। रोहतांग पास मनाली से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और गर्मियों में, जब भारत के अधिकांश भागों में गर्मियों से सब जूझ रहे होते हैं, तब सैलानी यहां आते हैं और बर्फ का लुत्फ उठाते हैं। क्योंकि रोहतांग पास समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है, इसलिए वहां बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और सर्दियों में ज्यादा बर्फबारी के कारण ही रोहतांग पास को नवंबर से मई तक के लिए बंद कर दिया जाता है। ध्यान रहे, पिछले कुछ सालों में डेली 1200 यानी 1200 गाड़ियों को ही रोहतांग जाने का परमिट मिलता है, जिसमें से 400 डीजल और 800 पेट्रोल रहती हैं। तो अगर आप बाई टैक्सी रोहतांग जाना चाहते हैं तो एडवांस में टैक्सी बुक करें और टैक्सी ऑपरेटर से कंफर्म करें कि उनको किस दिन रोहतांग जाने का परमिट मिला है। रोहतांग पास पे आप कुछ चुनिंदा एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे यॉक राइडिंग, स्कीइंग एंड हॉर्स राइडिंग, और इन सभी एक्टिविटीज के रेट आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये तो हुई बात कि गर्मियों में आप कहां कहां स्नो का लुत्फ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बर्फ में जाते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान
रखना है। नंबर वन, वाटरप्रूफ शूज या बूट कैरी करके अपने साथ चलें या फिर रेंट पे स्नो शूज ले लें, जो कि 100 रुपीज में आपको रेंट पे आसानी से मिल जाते हैं। नंबर टू, अगर बर्फ में आपको अच्छे से एंजॉय करना है तो स्नो ड्रेस भी आप ले सकते हैं, जिसका चार्ज विद शूज 250 रुपीज टू 300 रुपीज, यानी 250 रुपए से 300 रुपए रहता है। डे थ्री, तो इस दिन आप मणिकरण या नगर कैसल का प्लान कर सकते हैं। मनाली से नगर कैसल 25 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर दूर है और इस दूरी को तय करने में आपको करीबन 45 यानी 45 मिनट लग सकते हैं। वहीं मनाली से मणिकरण 85 यानी 85 किलोमीटर दूर है और इस दूरी को तय करने में आपको 2.5 टू 3 आर लग सकते हैं, यानी कि 2.5 से 3 घंटा लग सकता है। नगर कैसल की बात करें तो नगर कैसल नगर कुल्लू में स्थित एक किला है, जिसको 1460 यानी 1460 में कुल्लू के महाराजा राजा सिख सिंह ने बनवाया था। नगर कैसल से आप पूरी कुल्लू वैली के नज़ारों का एंजॉय उठा सकते हैं। यहाँ बने रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हैं, जहाँ खाते खाते आप पहाड़ों के हसीन नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट ने इसको स्टेइंग ऑप्शन में भी कन्वर्ट कर दिया है। यहां एंट्री टिकट की बात करी जाए तो 30 रुपीज पर एडल्ट आपको पे करना पड़ सकता है। नगर कैसल के साथ साथ आप निकोलस रोरिच आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम में भी नगर में घूम सकते हैं, जिसमें एंट्री फीस की अगर बात करी जाए तो इसमें 50 रुपीज का एंट्री टिकट चार्ज रहता है। मणिकरण की बात की जाए तो मणिकरण पार्वती वैली में पार्वती रिवर के किनारे बसा है। मणिकरण अपने मणिकरण साहिब गुरुद्वारे, नैना देवी टेम्पल, शिव टेम्पल और मणिकरण साहिब गुरुद्वारे में बने हुए गर्म पानी के कुंड के लिए फेमस है। तो मणिकरण अगर आप घूमने जाते हैं तो कसौल भी मणिकरण के साथ आप घूम सकते हैं। कसौल मणिकरण से मात्र 5 किलोमीटर पहले पड़ता है और यहाँ आप छलेल ट्रैक, कसौल ब्रिज, नेचर पार्क और रिवर साइड कैंपिंग जैसे चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। मणिकरण से वापस लौटते टाइम आप कुल्लू में भी कुछ साइट सीइंग कर सकते हैं, जैसे कि कुल्लू शनिदेव टेंपल, कुल्लू वैष्णो टेंपल, कुल्लू शॉल फैक्ट्री एंड रिवर राफ्टिंग पॉइंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि मणिकरण मनाली से थोड़ा दूर पड़ता है, तो नगर कैसल और मणिकरण आप सेम डे में प्लान नहीं कर सकते हैं। या तो आप नगर कैसल प्लान करें या फिर मणिकरण। कोशिश ये करें कि मणिकरण या नगर कैसल को आप अपने टूर में लास्ट डे में प्लान करें, ताकि आप घूम फिर के शाम को या रात को सीधा कुल्लू में ड्रॉप ले सकें और शाम को या रात को सीधा कुल्लू से बस पकड़ के अपने शहर के लिए निकल सकें। रिवर राफ्टिंग की अगर बात करी जाए तो रिवर राफ्टिंग के चार्जेस 500 से 1500 के बीच में रह सकते हैं। ये आपकी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कम प्राइस में रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। अगर पैराग्लाइडिंग की बात करें तो पैराग्लाइडिंग धोबी में की जाती है और उसका चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 2000 से 2500 तक रह सकता है। तो पैराग्लाइडिंग की ये वायरल वीडियो आप सभी ने जरूर देखी होगी। तो 200 ज़्यादा ले लेकिन लैंड कराते भाई, 500 ज़्यादा ले लेकिन लैंड कराते माता चोलू जो इसमें आया। तो ये पैराग्लाइडिंग की वीडियो यही धोबी की थी। इसके अलावा आप सोलांग वैली में भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप धोबी से पैराग्लाइडिंग करें, क्योंकि सोलांग वैली में उतनी ज़्यादा हाइट से पैराग्लाइडिंग आपको नहीं करवाई जाती है जितनी धोबी से आपको करवाई जाती है। और ज़्यादा हाइट से पैराग्लाइडिंग करने से व्यू जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ज़बरदस्त नज़र आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप धोबी से ही पैराग्लाइडिंग करें। आप कुल्लू में हेलीकॉप्टर राइड और हॉट एयर बैलून राइड भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर राइड का चार्ज 6000 पर पर्सन यानी कि 6000 रुपये रह सकता है और हॉट एयर बैलून का चार्ज 1200 रुपये पर पर्सन यानी 1200 पर पर्सन रह सकता है। हेलीकॉप्टर राइड आपको स्नो पीक माउंटेन्स के ऊपर से रोहतांग दिखाते हुए वापस आती है, जबकि हॉट एयर बैलून सिर्फ 300 मीटर तक ही ऊपर उड़ सकता है, जो कि इसकी लिमिटेशन है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा डेज अपने टूर में लेकर चल रहे हैं तो आप उस दिन वशिष्ठ टेंपल और जोगनी वाटरफॉल को भी अपने प्लान में ऐड कर सकते हैं। वशिष्ठ टेंपल, यह मंदिर मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वशिष्ठ विलेज में पड़ता है। यह मंदिर भगवान राम के कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को समर्पित है। यह मंदिर अपने गर्म पानी के कुंड के लिए भी लोकप्रिय है। यहाँ 2 गर्म पानी के कुंड है, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। माना जाता है कि यहाँ नहाने से स्किन से रिलेटेड बीमारियां दूर हो जाती हैं। जोगनी वाटरफॉल, वशिष्ठ टेंपल से 4 किलोमीटर और मनाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जोगनी वाटरफॉल की खूबसूरती देखते ही बनती है। जोगनी वाटरफॉल केवल मनाली का ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश का एक फेमस वाटरफॉल है, जो कि 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है। जोगनी वाटरफॉल पहुंचने के लिए वशिष्ठ टेंपल से वॉकिंग और ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इस ट्रैक के दौरान आप वशिष्ठ गांव और देवदार के घने जंगल से होते हुए निकलते हैं। ट्रैक के दौरान आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और नीचे बहती व्यास नदी को देख सकते हैं। बीच बीच में चाय, मैगी और मोमोज का एंजॉय ले सकते हैं। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए करीबन आपको 1.5 घंटे चलना पड़ता है और ट्रैक करना पड़ता है, जिससे आप थोड़ा सा थक जाते हैं। पर यकीन मानिए, जैसे ही आप जोगनी वाटरफॉल पहुंचते हैं उसकी खूबसूरती देख के आपकी सारी थकान दूर हो जाती है।
तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मनाली, शिमला, धर्मशाला एंड ऑल ओवर हिमाचल का पैकेज, टैक्सी, होटल, वॉल्वो बस बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मोबाइल नंबर या इंस्टाग्राम आईडी पे कॉन्टैक्ट करें।